हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम जानेंगे कि कौन है रोमान अब्रामोविच एंड व्हाई वाज ही पॉइजन्ड। तो एक्चुअली में जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, वॉर सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ओलिगार्क से लेके एक नॉर्मल पर्सन तक सब आपस में बीच में पिस जाते हैं। एंड उसका रिसेंट एग्जाम्पल है रोमान अब्रामोविच, जिन्होंने अपनी जिंदगी से अभी हाथ धोने से वो बचे हैं। तो देखते हैं कौन है वो। सबसे पहली बात कि रोमान अब्रामोविच इज अ रशियन ओलिगार्क। तो ओलिगार्क इज अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा रिच बिजनेसमैन है, एंड साथ ही साथ उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी रहते हैं। साथ ही साथ ही इज द ओनर ऑफ द फेमस चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो हमने ये चीज भी देखी है कि जब इनिशियली वॉर स्टार्ट हुई थी मॉस्को और यूक्रेन के बीच में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमान अब्रामोविच जो है वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दें या कोई ऐसे साइन दें कि वो कौन सी साइड को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ही इज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ चुकोटका रीजन। तो चुकोटका रीजन इज इन द साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, रशियन सब्जेक्ट है ये एरिया, एंड फेमस है बहुत ज्यादा गोल्ड एंड टंगस्टन एंड मिनरल माइनिंग के लिए। इसके अलावा माना जाता है कि रोमान अब्रामोविच जो है उनके लिंक्स हैं विद व्लादिमीर पुतिन, तो उनके काफी खास भी माने गए हैं। तो एज अ रिजल्ट जब रशिया के ऊपर वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस लगी थी, तो द लिस्ट ऑफ ओलिगार्क्स उसमें रोमान अब्रामोविच का नाम भी था कि जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि वो एज अ मीडिएटर काम करना चाहते हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो पीस टॉक्स के बीच में इन्वॉल्व भी हुए हैं। तो रिसेंटली पीस टॉक्स भी हुई थी 3 मार्च को, जो इनिशियली पीस टॉक स्टार्ट हुई थी बिटवीन कीव एंड मॉस्को, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे अलॉन्ग विद टू अदर मीडिएटर्स रिप्रेजेंटिंग द यूक्रेनियन साइड। तो एज अ रिजल्ट हमने एक चीज और देखी है जो कि बहुत अजीब सी बात है कि ये चीजें सामने आ रही हैं कि ही अलॉन्ग विद टू अदर मीडिएटर्स वॉज पॉइजन्ड। तो पॉइजन्ड क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उन्हें बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे थे, लाइक पीलिंग ऑफ स्किन। उनके हाथ के और पैरों की जो स्किन है वो पील होना शुरू हो गई थी। पील ऑफ होने के साथ साथ उनकी जो आंखें थी बहुत ज़्यादा दुख रही थी, रेड वॉटरी आईज थी। एंड साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ही वॉज ब्लाइंडेड फॉर 2 to 3 आवर्स एंड साथ ही साथ, बट अब ये चीज़ है कि ही इज आउट ऑफ डेंजर। और एक अजीब सी बात ये है कि कीव की तरफ से ऐसी कोई इंसिडेंट की पुष्टि टिल डेट नहीं हुई है, बट ऐसा इंसिडेंट हुआ है ये चीज़ सामने आ रही है। तो अब इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बहुत सारे रीजंस दिए जा रहे हैं। फर्स्ट रीजन मीन कि जो रशियन हार्डलाइनर्स हैं, दे वॉन्टेड टू साबोटाज दिस कॉन्वर्सेशन, कि वो ध्यान भटकाना चाहते थे, जानबूझ के उन्होंने ये सारा का सारा सिनेरियो रचा या सारा का सारा जो इंसिडेंट है वो किया। इसके अलावा एनवायरमेंटल रीजंस कहा जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है कीव में, जिस वजह से एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह से उनको ये सिम्टम्स में भी डेवलप हो सकते हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि माइक्रोवेव इरेडिएशन की वजह से ये सब कुछ हुआ, कि माइक्रोवेव इरेडिएशन में कि एक व्यक्ति को इतनी ज्यादा हीट दे दी जाती है विच इज अबव द फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज़। तो कितनी ज्यादा हीट के बीच में अगर आप उस व्यक्ति को रखते हैं या किसी भी पर्सन को रखते हैं, तो उसकी स्किन जो है सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स जो है वो डेवलप करना शुरू कर देती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि किसी तरह के केमिकल वेपन को यूज किया गया है कि पॉइजन करने के लिए, जिस वजह से ये सारे के सारे सिम्टम्स आए हैं। आगे से फिलहाल यूक्रेन ने ये चीज जारी की है कि कोई भी पीस टॉक, कोई भी नेगोशिएशन हो, बी इट इन टर्की एंड एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड, कि जितने भी नेगोशिएटर्स मीडिएटर्स जाएंगे यूक्रेन की साइड से, दे विल नॉट हैव और दे विल नॉट ईट एनीथिंग अलोंग साइड द रशियन नेगोशिएटर्स। तो देखना यही है कि आगे वॉर में क्या होगा और कौन से षड्यंत्र रचे जाने बाकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।